Hi friends, welcome to our new video of E-Learning for All. This is your host, Hamza Khalid. Today we will continue our tenses part. Today we will continue our tenses part. So last time, we indefinite series. We have present indefinite, past indefinite, future indefinite. Then we have seen continuous series. Present continuous, past continuous and future continuous. समझा था और मैंने आपको बताया था उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने तो इसके बाद हम लोगों ने परफेक्ट की सीरीज हम लोगों ने देखी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट उसकी सीरीज मैंने आपको समझाई मैंने आपको बताया उसकी एक्सप्लेनेशन दी सो आज हम चलते हैं हमारे टेंसेस की जो लास्ट हमारी जो सीरीज है जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की उसको आज हम स्टार्ट करते हैं सो आइए चलते हैं आज के हमारे कंटेंट की तरफ सो आज का हमारा कंटेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारी लास्ट सीरीज है जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ऑफ टेंसेस में जब मैंने आपको पहली वीडियो जब अपनी बताई थी मैंने पार्ट वन में सो मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं इनडेफिनिट की सीरीज होती है देन कंटिन्यूस की देन परफेक्ट की अदर परफेक्ट कंटिन्यूस की सो फ्रेंड्स चलते हैं आगे मैं आपको अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ हमारा आज का जो कंटेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की इंडिकेशन है से ता रहा है से ता रही है से ता रहे हैं यानी कि किसी भी ट्रांसलेशन में या फिर बोलने के लिए कोई भी वर्ड अगर आप सुने और उसमें एंड में से ता रहा है से ता रही है से ता रहे हैं इन तीनों में से कोई भी वर्ड लास्ट में होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है ठीक है फ्रेंड्स मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ से ता रहा है से ता रही है से ता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की इंडिकेशन है अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ मगर स्ट्रक्चर से पहले हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम एक चीज़ नई चीज़ आप सीखेंगे आज जो कि सिर्फ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगता है और वो है सिंस फॉर हमारे वक्त को डिफाइन करता है सिंस भी एंड फॉर भी इनका कुछ यूज़ है जो कुछ मैं आपको बताता हूँ भी बट ये सिंस फॉर हमारी इसी प्रेजेंट कंटिन्यूस की सीरीज़ में लगता है यानी कि सिर्फ तीन टेंसेज में और इसके अलावा हम लोग ज़्यादा उमूमन तौर पर इनको यूज़ नहीं करते सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिंस एंड फॉर इन दोनों का हम काम देखते हैं बारी बारी सिंस हम लगाते हैं जैसे कि डेज के साथ मंथ्स के साथ यस्टरडे वगैरह इस तरीके के वर्ड्स जैसे कि मैं सिंस इसकी एग्जांपल यस्टरडे नेक्स्ट एग्जांपल सिंस मंडे लास्ट मंथ सिंस लास्ट मंथ इस तरह के कोई भी वर्ड्स होंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंस ठीक है फ्रेंड्स बट फॉर के साथ फॉर टू आवर्स फॉर हाफ एन आवर एक्सेट्रा तो फिर ऐसी एग्जांपल जिसमें आप देखें यस्टरडे मंडे लास्ट मंथ इस तरह के एग्जांपल्स होंगे तो आप ये समझ जाएगा कि ये इसके साथ हम लगाएंगे सिंस और इनका वर्ब भी हम देखेंगे कि इनका क्या काम है जब हम आगे वीडियो में चलेंगे मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन दूंगा और जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तब मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा और इस फॉर के साथ फॉर टू आवर्स फॉर हाफ एन आवर इस तरीके की जो है हमारी जो चीज़ें इसके साथ हम लगाते हैं सो आइए चलते हैं आज अब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब एच डॉट बी आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज बीन हैव बीन इन दोनों का काम मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल दूंगा अभी इनकी फिलहाल हेल्पिंग वर्ब जो लगते हैं हम
जो लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो होंगे हैज बिन, बी डबल ई एंड बिन एंड हैव बिन प्लस, सॉरी वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगेगी इसमें प्लस आई एन जी इसमें लगेगा, वो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रहा है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट, एट सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, हेल्प वर्ब लगेगा इसमें हैज बिन हैव बिन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, देन ऑब्जेक्ट। इस पर काम का असर पड़ा जो मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताता हूँ कि हम हेल्पिंग वर्ब में, मैंने जो आपको बताया था हैज़ बिन और हैव बिन, अब हम किस सब्जेक्ट के साथ हैव बिन लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बिन लगाएंगे। सो आइए चलते हैं। आई मैं कैपिटलाइज में लिखूँगा ताकि आप अपने पास नोट कर सकते हैं इजीली। वी यू दे, इनके साथ हम लगाएंगे हैव बिन एंड ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ हम लगाएंगे हैज बिन। जब कि आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे हैव बिन एंड ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम लगाएंगे हैज बिन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा जो हम लोगों ने क्या काम किया। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। द पुलिस हैज बिन अरेस्टिंग, इसकी मैं एग्जांपल दो तीन करवाऊंगा आपको, द क्रिमिनल्स। अब आप सोचेंगे इसमें सिंस फॉर कहाँ काम, सिंस फॉर तो इसमें लगा हुआ ही नहीं है, तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल मैंने करवाई है जिसमें हम खाली टेंस को हम देखेंगे, यानी कि जो मैंने आपको पर स्ट्रक्चर बताया उस हिसाब से हम देखेंगे। फिर जब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे हम सिंस फॉर के हम लगाएंगे एग्जांपल, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ सिंपल हम स्ट्रक्चर जिस तरह हम लोगों ने डिफाइन किया था हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को रखते हुए हम उसको आगे लेके चलेंगे। जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस सादा जुमला, अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस अपना। द पुलिस has not been arresting the criminals. अब has जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा इंट्रोगेटिव में एंड इंट्रो नेगेटिव में भी। has the police been arresting the criminals? Question mark. And last, has the police not been arresting the criminals? The friend, बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखे, बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल देखी। द पुलिस सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़ बिन हमारा आ गया उसमें हेल्पिंग वर्ब, देन अरेस्टिंग अरेस्ट क्योंकि ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था आई एन जी लगाएंगे तो आई एन जी आ जाएगा, और द क्रिमिनल्स हमारा ये आ गया ऑब्जेक्ट। इसी थी बिल्कुल हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा, हम लोगों ने एक सिंपल एग्जांपल देखी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे सिंस फॉर की। अब सिंस फॉर के लिए फ्रेंड्स हम ये करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा जब हम सिंस फॉर लगाएंगे या किसी भी सेंटेंस में हमारा सिंस फॉर में हमारा काम होगा, तो हम उसमें सिंस या फिर फॉर लगाएंगे।
अब हमारा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले तो मैंने आपको जो एग्जांपल समझाई बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाई। अब मैंने आपको समझाया बताया कि जब सिंस फॉर जब हम यूज़ करेंगे तो सिंस फॉर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। सो आप उसको या तो हम उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं या तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। इधर चूँकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर के डिफाइन करने के लिए मैंने एग्जाम्पल समझाई थी, सो हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है उज़्मा हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 आवर्स को आप 2 भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह TWO2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन फुल स्टॉप सॉरी। ये तो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस सादा जुमला। जब नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे सो उसमें आएगा उज़्मा हैज़ नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। उसका इंट्रोगेटिव हैज़ उज़्मा बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ उज़्मा नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो था इसका इंटर नेगेटिव। अच्छा क्योंकि सेंटेंस ऐसा होगा उज़्मा हैज़ बिन स्लीपिंग। जब ये तो हमारी फॉर की एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखी, सो अब यहाँ पे हम फॉर की एग्जाम फॉर को हटा के हम फॉर 2 आवर्स को हटा के हम कुछ और भी लगा सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे जो है सिंस ऐसे कि सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग, तो इस तरीके से सिंस इवनिंग या सिंस यस्टरडे, इस तरीके से हम अपने हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कर सकते हैं। हम सिंस की भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। चाहिए चलते हैं हमारे सिंस की एग्जाम्पल की तरफ। हम ये उज़्मा वाली एग्जाम्पल हम फॉलो करते हैं, इसी को हम चेंज कर देंगे। उज़्मा हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को हम चेंज करते हैं। उज़्मा हैज नेगेटिव सेंटेंस है इज नॉट बिन हैव बिन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। देन नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हैज स्टार्टिंग में आ जाएगा हैज उज़्मा बिन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट में हैज़ उज़्मा नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स ये तो था आज का हमारा कंटेंट। उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने आज देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने इसको आपको सिंस फॉर का मैंने काम बताया, फिर मैंने उसको स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपको ये बताया कि हम किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव और हैज़ बिन लगाएंगे। देन फिर हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स देखी। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा एंड आपको समझ आया होगा। हमारे इस कंटेंट को लेकर अगर कोई भी सवाल हो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नई वीडियो के साथ हम आएंगे, नए कंटेंट के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।